तो हम लोग अब बात करेंगे एक्चुअली, तो जब तक अभी तक हमने पढ़ा है तो वह बिल्कुल बेसिक बेसिक फार्मूले पे बेसिक बेसिक सवाल करे हैं कि ट्रिग फंक्शन है या पोलिनोमियल है या ट्रिगो के अंदर कोई सिंपल लीनियर फंक्शन है, तो उसका हमने इंटीग्रेशन करना सीखा है। अब अपन लोग इंटीग्रेशन करेंगे कुछ फार्मूले बेस्ड, कुछ और फार्मूले बेस्ड कर लेते हैं, जो फार्मूले जैसे इनवर्स का, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स, इन पे कुछ अपन लोग क्वेश्चन करते हैं। जैसे मैं फार्मूला लिखना चालू करूं तो पहला फार्मूला मैं लिखूंगा, पहले तो अपन लोग कुछ फार्मूला लिखेंगे, क्या क्या फार्मूला, ये बस फार्मूला आपको याद करने के लिए ही है कि रखने के लिए, याद रखने के लिए। जैसे आपने देखा होगा साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। दूसरे नंबर पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन में माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा इंटीग्रेशन में, ये बड़ा ही काम का है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू, इसका ये फार्मूला बनता है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। आप जानते हो कि ये इसका डेरिवेटिव होता है, पहली बात कि ये हमारे लिए काम का फार्मूला है, ये हमारे लिए काम का फार्मूला है, बीच वाला हम फार्मूले का यूज ही नहीं करते हैं, क्योंकि अगर ये माइनस है तो इसको हम इधर भेज देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और माइनस साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स बराबर है, यानी एग्जैक्ट बराबर नहीं है पर कॉन्स्टेंट के डिफरेंस में बराबर है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है पाई बाय 2, तो ये कॉस इनवर्स एक्स को मैं लिख सकता हूं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और ये पाई बाय 2 कांस्टेंट में जाकर जुड़ जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स एक्स स्टिल आंसर रहेगा। तो ये आपका, हम लोग कई बार ये इसको हम याद ही नहीं करते हैं, अगर माइनस आता है तो माइनस बार भेज के अपने आंसर से मैनिपुलेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चौथे नंबर पे आपका, फिर ये चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर भी ये भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये भी हमारे लिए किसी काम का नहीं है, ये भी बेकार है। पांचवें नंबर पे इधर मैं लिखता हूँ पांचवें नंबर का फार्मूला, पांचवें नंबर पे फार्मूला जो है वो है इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx और माइनस 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, ये इसका हो जाएगा ये sec इनवर्स x का, और ये हो जाएगा cosec इनवर्स x का, और ये प्लस सी फिर से हम कहेंगे इसको याद रखेंगे, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। छठे नंबर वाला, ये तो आपका जो 1 से रिलेटेड है 1 प्लस 1 प्लस 1, लेकिन ये कई कई बार आपका सातवें नंबर पे मैं फिर से लिख रहा हूं जो कि काम का होगा, कि आपका ऐसे देखने को मिलेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो कुछ नहीं होता होता कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे साइन इनवर्स यहाँ पे एक्स बाई ए प्लस सी हो गया, ठीक है। बता दूंगा ट्रिक, बता दूंगा मैं आपको। फिर आठवें नंबर पे इसके माइनस वाला मैं नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर आ जाए तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। और नाइन्थ नंबर पे 1 अपॉन यहां पे आ जाए मॉड एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dx, ये भी हो जाएगा 1 बाई ए sec इनवर्स एक्स बाई ए sec इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। बात समझ में आ रही है, तो ये याद रखेंगे कि अपन लोग कि ये आपका, ये देखो ये तीनों फार्मूला बड़े काम के हैं। अच्छा एक और है, इसके लिए प्रूफ करने के लिए, इसके और प्रूफ करने के लिए x के जगह पे a sin थीटा या a cos थीटा कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर दे देगा। a cos थीटा मान लो तो आज a sin थीटा मान लो तो आंसर आ जाएगा। इसके लिए x के जगह पे a tan थीटा मान लो, यहाँ पे x के लिए आप x को यहाँ पे x को मान लो a sec थीटा मान लो तो आंसर आ जाएगा। क्या मान लो? a sec थीटा मान लो तो आंसर आ जाएगा। ये आपके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, ये फार्मूला है, इन्हीं फार्मूले पे बेस्ड अपन लोग सवाल करेंगे। जैसे पहला सवाल, बहुत ही वेरी फर्स्ट आपका पहला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, तो हम सवाल लेते हैं। जैसे सवाल है अपने पास, ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मैं मान लो लिख रहा हूं कि इंटीग्रेशन में, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है इंटीग्रेशन में d
dx अपॉन, मान लो लिखा है यहाँ पे कि दब बिल्कुल आसान सवाल ले रहा हूँ, जैसे मान लो लिखा है यहाँ पे 5 + x² का क्या होगा। देखो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे कौन है 5 है, a स्क्वायर की जगह पे कौन है 5 है, फार्मूला इनमें से कोई एक लगेगा, तो a स्क्वायर की जगह पे 5 है, a स्क्वायर बराबर 5 तो a बराबर रूट 5, तो क्या हो जाएगा 1/a यानी 1/√5 tan इनवर्स, tan इनवर्स x by a का मतलब रूट 5 प्लस c, बात समझ में आ रही है। मान लो इसके जगह पे ना होकर ऐसे होता कि dx अपॉन 5 + 4x + x² तो क्या बन जाता, तो देखो नीचे में 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी आया, चाहे वो अलग से मैं कराऊंगा भी ये केस कि आपका 1/ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी रहेगा तो नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, क्या करना है मेक परफेक्ट स्क्वायर, ये बात आपको याद रखनी है कि क्या करना है इसको मेक परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा dx, देखो जहां पे x स्क्वायर और प्लस 4x होता है तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर बनने को रेडी है, तो आप यहाँ पे 5 प्लस इन दोनों को x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूँ कि हर बार सिस्टम में सेट नहीं बैठेगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 4x तो आ गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया प्लस 4 आया, तो उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 4 करना पड़ेगा, यहाँ पे हमने माइनस 4 कर दिया तो इंटीग्रेशन में आ गया dx अपॉन 1 + x + 2 का होल स्क्वायर, क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका, इसे देखो ये इस वाले फार्मूले में आके लग जाएगा, यहाँ के इस फार्मूले में लग जाएगा, यहाँ पे देखो 1 + x² dx अपॉन 1 + x² tan इनवर्स x में, बस ये x के जगह पे x प्लस 2 आया है, लीनियर आया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पे 1/a तो 1 है, सीधे tan इनवर्स और x के जगह पे x प्लस 2 है, तो tan इनवर्स x प्लस 2 प्लस c, बात समझ में आ रही है। जरा एक और सवाल करते हैं, जैसे आपके सामने मान लो सवाल ये आ गया, मैं ना इसको भी हटाता हूं, अब आप जो है कि इतने फार्मूले तो याद ही हो जाएंगे धीरे धीरे, नहीं तो आप पीछे करके देख सकते हैं कि क्या क्या फार्मूले हैं, पन्ना पलट के देख सकते हैं कि क्या क्या फार्मूला आपने लिखा हुआ है, जैसे मान लो सॉरी मैंने कहा कि सवाल आपका कुछ इस तरीके का है, सवाल आपको दे दिया जाए कि इंटीग्रेट करें x की पावर 4/x² + 1 इंटू dx, ठीक है, तो ये बात पता है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री, बार बार बोला था कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा होती है तो क्या करेंगे, तो आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने का दो तरीका, एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक स्मार्ट डिवीजन, मतलब आप इसको ऊपर बनाते ऊपर बनाते रहिए और आंसर मिल जाएगा, तो इसको अच्छा इसमें तो एक और दिख रहा है कि हम यहाँ पे x की पावर 4 में प्लस 1 कर दें और माइनस 1 कर दें तो भी काम तो बन ही जाएगा, कैसे, यहाँ पे देखो ये x² - 1 एक आएगा, x² + 1 एक आएगा, इसके नीचे x² + 1 इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस 1/(1 + x²) एक साथ और इंटू dx, अब जरा बताओ बच्चों क्या हो गया, यहाँ से इसको मैंने यहाँ से ये कट गया, क्या कटने के बाद क्या बचा x² - 1 + 1/(1 + x²) इंटू dx, जरा बोलो x² का इंटीग्रेशन क्या हो गया, तो x³/3 - x + tan इनवर्स x + c, बोलो बात समझ में आया, तो ये आपका सवाल, अगर मान लो कि सवाल इसके अलावा मान लो ऐसा सवाल आ गया, मान लो मैंने कभी IIT में ही आया सवाल है, मैं ले रहा हूं कि सवाल आपका इंटीग्रेशन में x^(4, 1 - x^(4)/(x²+1) क्या आंसर आएगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ये सवाल लंबा है, जानबूझ के जब वो तब पूछा गया था जब थ्योरेटिकल है, मतलब आप जानबूझ के टाइम लगे बच्चों का, इसीलिए सवाल पूछा गया था, भले IIT का है पर इसमें कोई दम नहीं है इस सवाल में, ये x^4 को एज इट इज रहने दो, इसको बायनोमियल से एक्सपेंशन कर दो, बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दो, आप सबको पता होगा 4c1 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 4c0 की वैल्यू 1 होती है, माइनस 4c1 की वैल्यू 4 होती है, 4x
प्लस 4C2 की वैल्यू 6 होती है, दूसरे नंबर पहला 4C0, 4C1, 4C2, 4C2 की वैल्यू 6 होती है तो 6x2, फिर 4C3 की वैल्यू 4 होती है तो 4x3, फिर 4C1 की वैल्यू ये आपका 4C4 की वैल्यू 1 होती है अपॉन ये हो गया x2+1। अब जरा सर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, x^8 - 4x^7। देखो इसको अब बड़ी डिग्री पहले लिखते मैं जा रहा हूं, फिर प्लस 6x^6 - 4x^5 प्लस x^4 अपॉन x^2+1। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसका डिवीजन होएगा बहुत लंबा, डिवीजन लंबा होएगा तो हम पहले यहाँ पे डिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डिवीजन हम इसका कर लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा हमारे लिए, बाकी हम बस ये सवाल कर ही रहे हैं, इसमें तो टाइम वेस्टिंग ही है ये पूरा का पूरा, पर एक बार मैं बस आपको दिखा दे रहा हूँ, अदरवाइज ये तो आपका खुद ही लॉन्ग डिवीजन मेथड से या आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ पे x^2+1 लिखते जाए और बनाते रहे। x^2+1 पहली बार x^6 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे x^8+x^6। मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ से कट गया, माइनस हो गया, ये तो कट गया, यहाँ पे -4x^7 नीचे आया, +5x^6 आया, -4x^5 आया, +x^4 आया। अगली बार -4x^5 से ये कटेगा तो -4x^7 - 4x^5 सही है, मतलब इसे समझ में आया। फिर ये प्लस ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये 5x^6 हो गया, +x^4 हो गया, तो इस बार कटने के लिए 5x^4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5x^6 प्लस यहाँ पे 5x^4, यहाँ पे माइनस ये कट गया, ये आपका -4x^4 बचा। अब इसको काटने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको काटने के लिए -4x^2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो गया -4x^2 -4x^4 - 4x^2 और ये माइनस प्लस ये कट गया, ये 4x^2 आया। फिर आपका इसको काटने के लिए +4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे +4x^2 + 4, यहाँ पे माइनस कट गया, -4 बचा, यानी फाइनली बचा क्या इंटीग्रेशन में, देखो ऊपर में लिखा हुआ है ये x^6 - 4x^5 +5x^4 - 4x^2 +4, फिर -4 अपॉन यहाँ पे कुछ आया हुआ है x^2+1, पूरा डिवीजन करने के बाद यही बचा, बाकी आप इसको इंटीग्रेट कर रहे तो आपको आंसर फटाफट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज आपका बिल्कुल मतलब ये फार्मूलों पे बेस्ड अपन लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। थोड़ा और क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं, थोड़ा और आपका कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले भी क्वेश्चन लगाते हैं। तो बच्चों और सवाल देखते हैं इस पे, ये आपका मान लो कि एक और सवाल मान लो फटाफट मैं करा देता हूं, जैसे कि सवाल है आपके सामने, जैसे मान लो सवाल किसी ने दे दिया आपको कि इंटीग्रेशन में 1 + x^2 / x^1 + x^2 क्या होगा इंटीग्रेशन, ठीक है, तो क्या होता अगर 1, देखो इस पूरे सवाल को देख के दो ही चीज करने का मन कर रहा है, एक तो ये नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाले को होल स्क्वायर ओपन करें, अगर नीचे वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी क्या हम कुछ उखाड़ पाएंगे नहीं, इसका वजह इसकी ये है कि नीचे को मल्टीप्लाई करके x + x³ क्या मिला, कुछ मिला नहीं, 1 + x² को ओपन करें शायद कुछ दिख सकता है, एक बार करके देख लेते हैं, 1 + x² + 2x नीचे में x * 1 + x², अच्छा आपके नजरें एक जगह चमक गई होगी, चमकने का मतलब कि इसका अगर 1 + x² एक साथ कर दो तो ये कट जाएगा, कटने का तैयार है कि नहीं, यानी तब कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये 1 + x² / x * 1 + x² अलग कर दिया, प्लस यहाँ पे 2x / x * 1 + x² अलग कर दिया, ये dx बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम अभी चल रही है, क्योंकि इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक चल रहा है तो सिंपल प्रॉब्लम्स है, ये इससे कटा, यहाँ पे 1/x बचा, यहाँ से ये कटा 2/1 + x² बचा,
अभी फार्मूले बेस्ड है, ये आपको कितना आया log x आया प्लस ये कितना आया 2 tan इनवर्स x आया, बात समझ में आई प्लस c। ये आपके कुछ एक सवाल हुए। अब मान लो सवाल ऐसे ना देखे, मान लो फार्मूले पे कर रहे थे, दो चार सवाल और इधर उधर का कुछ करते हैं, देखते हैं कि क्या। जैसे मान लो सवाल आपका है इंटीग्रेशन में 2x प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इंटू dx, आई बात समझ में। तो ये वहां का सवाल है कि ऊपर में लीनियर नीचे में क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक से सवाल बनाने वाला चीज है। लेकिन जरूरी नहीं है कि सवाल बनाने वाले से हर बार एकदम सटीक सवाल बने, गलती भी हो सकती है। और उससे गलती ऐसे सवालों में क्या हुई है कि अगर नीचे का फैक्टर दिखे तो फैक्टर आपको कर लेना चाहिए, जब भी नीचे में फैक्टर दिखे तो फैक्टर को कर लेना चाहिए अगर संभव हो तो। देखो फैक्टर मैं करना पसंद करूंगा 2x प्लस 5, हो सकता है सवाल बनाने वाले ने बहुत अच्छा सवाल बनाने की कोशिश करा लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई। और वो गलती अब यहाँ पे देखो जरा, ये क्या है आपका कि आपका यहाँ पे x प्लस 2a रहा और यहाँ पे x प्लस 3 यहाँ पे रहा, x प्लस 3 यानी ये इसका फैक्टर बना। और जरा देखो नीचे वाला ही ऊपर में, ये नीचे वाला ही ऊपर क्या बना हुआ है, इन नीचे वालों को अलग अलग जोड़ोगे तो यही बात आएगी इंटू डी एक्स। तो क्या कर दो आप, यहां से आप कर दो ये 2x यानी x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में, ठीक है। नीचे में भी आपका हो गया, क्या चीज हो गया नीचे में x प्लस 2। और अच्छा एक चीज और है, जब हम ये सवाल जब नीचे को t मानने वाला मेथड से कर लेंगे तो नीचे वाले को t मानते ही ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा यानी डायरेक्ट आंसर लॉग t आ जाएगा। अब जरा अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अलग अलग करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस 3 यहाँ हो जाएगा प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा इंटू यहाँ पे dx हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये log x प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ये log x प्लस 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप कहोगे कि सर अगर मैं नीचे को t मान लेता लेकिन अभी t मानने वाला मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए अभी तक मैंने उस मेथड से लेके मैं गया नहीं, यहाँ पे दोनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा log x प्लस 3 और x प्लस 2 प्लस c, ठीक है। मान लो ये सवाल होता इंटीग्रेशन में 5x माइनस 3 अपॉन, देखो ये भी 2x माइनस 5 और 3x प्लस 8, क्या आंसर क्या मिल जाता कि आप इसको कर लेते, नीचे को टी मानने वाला सवाल ये है ही नहीं। कैसे बनेगा ये सवाल, देखो नीचे वाले को देखो ऊपर में नीचे वाले का सम है, क्या नीचे में ऊपर वाले का सम है, मतलब आपको क्या बना ऊपर वाले को मैं 2x माइनस 5 सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, यहाँ पे 2 है, ये देखो 2x माइनस, देखो नीचे वाले का ऊपर सम है यहाँ माइनस 5 यहाँ प्लस 2 है तो ऊपर में नीचे वाले का सम है तो 2x माइनस 5 और 3x प्लस 2। अगर मैं ऐसे करूंगा तो देखो नीचे वाला भी ये बीच में प्लस, देखो जोड़ो तो 2 3 5 माइनस 3 और यहाँ पे ये 2x माइनस 5 एक ब्रैकेट में 3x प्लस 2 दूसरे ब्रैकेट में इंटू dx, ठीक है बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसके बाद क्या करें हम लोग, दोनों को अलग अलग कर ले, अगर अलग अलग करेंगे तो क्या दे देगा यहाँ पे 1 अपॉन ये तो इससे कट जाएगा, ये बचेगा 3x प्लस 2 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन क्या बच जाएगा यहाँ पे 2x माइनस 5 इंटू dx, इंटीग्रेशन किया तो आया log 3x प्लस 2 बाई 3 और यहाँ पे प्लस log 2x माइनस 5 बाय 3 बाय 2 प्लस c, बात समझ में आ गई है। आगे करना हो तो नीचे वाले को ऊपर पावर भेज के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लो सवाल ऐसे होता इंटीग्रेशन में 3 इंटू dx अपॉन 2x माइनस 5 और यहां पे 2x प्लस 7, तो क्या आंसर हम कैसे निकालते, ठीक है। तो देखो ऊपर नीचे में अगर ये 2x सेम है तो ये ऊपर में पक्का घटेगा, ऊपर में क्या होगा घटेगा, कैसे जरा देखो, ये तो 3 बाहर कर दो यहाँ पे आप घटा दो, इन दोनों का डिफरेंस क्रिएट कर दो 2x प्लस 7 माइनस 2x माइनस 5, आपसे ऊपर में एक्स्ट्रा क्या आया माइनस 5
2x plus 7 into dx, extra क्या आया? तो 7 और 5 मिलके 10, 12 हो गया, तो extra ऊपर में 12 आया, तो 12 से divide कर दो, फिर जरा देखो, कमाल की बात देखो, कि ये तो 1 by 4 हो गया, यहाँ पे 1 upon 2x minus 5 बचा, अलग अलग divide करते ही, minus 1 upon 2x plus 7 बचा, into dx हो गया, आगे का integration, up, फिर next question, अगर मान लो कभी ऐसे आ गया, x dx upon 3x plus 2 into 5x minus 7, क्या आप चाहते हैं ये पीछे वाला ही हो गया क्या इससे? क्या आपका क्या इस बार फिर से ऊपर में x है, मतलब x तो है लेकिन इन दोनों का डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है। अगर डिफरेंस बनाना हो तो अगर हमें डिफरेंस चाहिए, एक सेकंड, ये 5x plus 2 मैं कर देता हूं, 5x plus 2 कर देता हूं ताकि हमें डिफरेंस बनाने में आसानी रहेगी, आसानी रहेगी, ठीक है। अब जरा देखो, इनका डिफरेंस ऊपर में, इनका डिफरेंस अगर हम निकाले तो 5x plus 2 में से 3x plus 2 मैं घटाऊंगा तो 2x बचेगा, मतलब ऊपर में मैं अगर डिफरेंस क्रिएट करूं x की जगह पे 5x plus 2, ये सब सवाल की सेटिंग होती है बच्चों, ऐसे सवाल सेट करके दिए जाते हैं। जब इन सब मेथड से नहीं बनेंगे तो जो हम बीच में कुछ समय बाद जो मेथड पढ़ेंगे कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, तो उसका जो जबर वाला मेथड है, जो मेहनत वाला मेथड है, वो तो काम करना पड़ेगा, लेकिन अभी करने की जरूरत नहीं है, कट पिट रहा है, सिंपली दिख रहा है तो उसको कर लेंगे। यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3x plus 2 और into 5x plus 2, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आया है, 5x plus 2, 3x plus 2, 2 से 2 कट गया, 5 में से 3 निकल गया 2, 2 का मतलब 1 by 2, ऊपर में 2, हमको सिर्फ 1 चाहिए था, तो ये 1 by 2 से डिवाइड कर दिया, अलग अलग किया तो अपना आंसर मिल जाएगा, बात समझ में आ रही है। मान लो सवाल ये भी तो सब ऐसे दिख रहे हैं, सवाल ऐसे ना होकर के ऐसे, मान लो है सवाल लिखा हो आपका, आपका कुछ क्वेश्चन लिखा हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का मैं सवाल लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन में साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, तो क्या करें, तो क्या करें, तो एक काम कर सकते हैं, ये साइन एक्स है, इस एक्स को एक्स माइनस ए बना सकते हैं, अंदर वाले एक्स को एक्स माइनस ए बना सकते हैं। बनाने के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्या मेहनत, कि ये साइन एक्स माइनस ए प्लस ए, देखो स्टील अभी ये साइन एक्स ही है और नीचे में यहां पे साइन एक्स माइनस ए, अब ये इंटू डी एक्स आ गया। अब जरा देखो, इन दोनों को मैंने एक कर लिया, इन दोनों को मैंने ऊपर में ये लिनियर ब्रैकेट लाइन ब्रैकेट लगा दिया, तो ये आपका हो गया x माइनस ए को एक कर लिया और ए को अलग रख दिया। अब साइन ए प्लस बी का फार्मूला यूज करूंगा, क्या होता है फार्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, बोलो यही फार्मूला होता है क्या बच्चों, नीचे में साइन एक्स माइनस ए इंटू डी एक्स, अब अलग अलग हम डिवाइड कर देंगे, अलग अलग डिवाइड करते ही ये हो गया कैंसिल, बच गया क्या यहाँ पे बच्चों, कॉस ए बच गया यहाँ पे प्लस, ये दोनों डिवाइड होके कॉट ए आपके सामने एक्स माइनस ए आ गया इंटू साइन ए आ गया इंटू डी एक्स हो गया। क्या यहाँ के लिए वेरिएबल कौन है, डी एक्स है, तो ए क्या कहलाएगा, कॉन्स्टेंट कहलाएगा क्या, तो ए हो गया कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे कॉस ए तो बाहर हो जाएगा और सिंपली ए का डिफरेंस इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा, प्लस साइन ए तो यहाँ फिर से बाहर हो जाएगा और कॉट एक्स माइनस ए का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स माइनस ए, लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो इसी के बेसिस पे हमारा चलता है, जैसे ये साइन है, अगर ये कॉस भी होता तो भी, तो कई बार सवाल आपको क्या मिलेगा, डी एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, या इस तरह के सवाल मिलेंगे, तो उन सवालों पे हम बात करेंगे, नहीं नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करेंगे, जो नेक्स्ट कैटेगरी है आपके इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, अब थोड़ा सा मतलब बेसिक के जो भवर है, पेच है, उसमें से हम निकल रहे हैं, बेसिक वाला जो अभी तक बात चल रही थी उससे हम बाहर निकल रहे हैं, उसके बाद अपन लोग देखेंगे कि क्या चीजें बनेंगी। जैसे
इस टाइप के क्वेश्चंस। पहला कैसे इंटीग्रेशन में dx अपॉन साइन x माइनस a साइन x माइनस b, या दूसरा dx अपॉन साइन सॉरी cos x माइनस a cos x माइनस b, या तीसरा dx अपॉन साइन x माइनस a cos x माइनस b। ये तीन टाइप के सवालों के तरफ हम बात करने वाले हैं। इन तीन टाइप के मतलब देखो, नीचे में या तो नीचे में क्या है, पैटर्न फॉर्मेट क्या है कि या तो नीचे में साइन साइन है, या तो कॉस कॉस है, या साइन कॉस है। साइन कॉस से मिलने वाला जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं हमने सामने सब लिख दिया। साइन कॉस या कॉस साइन एक हो गया, कॉस कॉस साइन साइन। तो इसको देखो तरीका क्या होता है, करना क्या होता है इस सवालों के लिए कि अगर नीचे में सेम सेम हो, देखो साइन साइन या कॉस कॉस, तो देखो मल्टीप्लाई करना होता है कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, डिवाइड बाय साइन ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल या सम ऑफ एंगल, डिफरेंस ऑफ एंगल, एंगल का डिफरेंस, साइन के एंगल का डिफरेंस, या जरूरत पड़ने पे साइन सम ऑफ एंगल। कई बार अगर जोड़ देने से ही काम करेगा तो उससे जोड़ देंगे करेंगे। और अगर ये देखो ये सेम सेम है, साइन साइन मतलब ये सेम सेम है, सेम सेम में साइन से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर डिफरेंट है, डिफरेंट है नीचे में अलग अलग है डिफरेंट, ठीक है ना, उस केस में आपको मल्टीप्लाई एंड एंड डिवाइड बाय कॉस ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल, या कॉस ऑफ सम ऑफ एंगल, इसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। अभी कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा होगा, जब तक सवाल नहीं करेंगे तब तक ये बात समझ में नहीं आएगी। याद करने का तरीका साइन साइन सेम 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 साइन, ठीक है ना, मतलब ट्रिपल एस 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 चलता है, सेम सेम साइन, और या अगर डिफरेंट है तो कॉस, ठीक है। कैसे सवाल कैसे लेगा, ये तो हो गया। अब इसके बाद मैं पहले सवाल को लेकर आपके सामने दिखाता हूँ कैसे आएगा, बाकी दूसरा नहीं तीसरा मैं दिखा दूंगा, पहला और तीसरा मैं दिखा देता हूँ। तो ये नीचे वाली बात मैं हटा देता हूँ, आपने मुझे उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा कि जब जब सेम सेम होगा साइन साइन या कॉस कॉस, तो मल्टीप्लाई करेंगे साइन डिफरेंस ऑफ एंगल या सम ऑफ एंगल, जिससे काम बनता होगा। काम बनने का मतलब ऊपर में नीचे में कॉन्स्टेंट आता हो, काम बनने का मतलब क्या आता हो, कांस्टेंट आता हो, ऊपर भी कांस्टेंट आता हो, नीचे भी कांस्टेंट आता हो, यहाँ पे अच्छा कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल dx एंड x है तो a और b कांस्टेंट है। तो अगर साइन का a एंड b, या कॉस का a एंड b, या टैन का a एंड b कुछ आता है, a प्लस b, a माइनस b, a इंटू b, a बाई b कुछ भी, तो वो हमारा कांस्टेंट कहलाएगा और कांस्टेंट इंटीग्रेशन हो जाता है बाहर। तो इसलिए हम साइन के सम या डिफरेंस से, या कॉस के सम एंगल या के डिफरेंस या सम से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो गया, यहां पे क्या हुआ कि यहां पे इनका जरा बताओ, इनका डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है, हमको कांस्टेंट चाहिए, डिफरेंस ऑफ एंगल कितना है यहां पे, हमने निकाला x माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, ठीक है, ये हमने किया। तो देखो x x कट गया, b माइनस ए आया, क्या आया, b माइनस ए आया। तो इन्हीं के यानी हमको ऊपर और नीचे में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है यहां पे, डिवाइड बाय साइन ऑफ b
बी माइनस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, मैं यहां पे देखो कैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा ऊपर में साइन, देखो ध्यान से देखो बच्चों, एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी, नीचे में साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। अब देखो ऊपर में कितना एक्चुअल में कितना से मल्टीप्लाई किया हो, ये तो बी माइनस ए से, तो यहां पे भी क्या करूंगा साइन बी माइनस ए। क्या बात समझ में आई, मतलब क्या हुआ भाई हमारे लिए, क्या बन गया ये। अब यहाँ पे तो यहाँ वाला तो ये बाहर वाला तो ऐसे ही रहा साइन एक्स बी माइनस ए वैसे ही रहा, लेकिन अंदर वाला जो इंटीग्रेशन के है वो क्या बन गया साइन ए माइनस बी के फार्मूले पे टूट गया, और फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, नीचे में साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं, इंटू डीएक्स क्या आया, ये तो वन अपॉन साइन बी माइनस ए, इनका तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इंटीग्रेशन में। अच्छा बताओ साइन एक्स माइनस ए से साइन एक्स माइनस ए कट गया, कॉस वाला साइन वाला बचा, ये हो गया कॉट एक्स माइनस बी, क्या हो गया ये कॉट एक्स माइनस बी माइनस, देखो कॉस वाला तो नहीं कटा लेकिन साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस बी कट गया, और ये हो गया कॉट का एक्स माइनस ए, और ये सब इतना मेहनत किया ही इसीलिए गया था ताकि इंटीग्रेशन हो सके। अब बताओ क्या हो गया वन अपॉन साइन बी माइनस ए ही रहा, इसका इंटीग्रेशन कॉट का तो लॉग साइन एक्स माइनस बी माइनस इसका तो लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस सी। ठीक है, और इसको नीचे जाकर डिवाइड कर देंगे, यानी लॉग साइन बी माइनस ए अपॉन साइन ए एक्स माइनस ए लॉग साइन एक्स माइनस बी अपॉन साइन एक्स माइनस ए, आंसर मिल गया। बात समझ में आ रही है, तो ये आपका सवाल करने का तरीका है, ये जब सेम सेम रहेगा तो, अब डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो कैसे बनाएंगे, मैं हटाता हूं इधर से, देखो जब डिफरेंट डिफरेंट रहेगा तो किस क्या बनाएंगे, अगर आपका ये वाला आपका तीसरे वाला सवाल रहा उस केस में क्या होगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, इनके डिफरेंस ऑफ एंगल अभी भी क्या है डिफरेंस ऑफ एंगल, मतलब एक तो कॉस और यहां पे डिफरेंस या सम किसी से भी निकालो लेकिन अपना कांस्टेंट आना चाहिए, एंगल का आपका डिफरेंस या सम कुछ भी करो एक कांस्टेंट आना चाहिए एक हट जाना चाहिए, तो ये हम देखेंगे तो ये आपका आएगा बी माइनस है स्टिल बी माइनस है, ये एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी तो माइनस से क्या कटेगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, तो ये देखो एक्स एक्स कट गया माइनस माइनस प्लस बी माइनस ए बचा, तो एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस बी से ऊपर से मल्टीप्लाई किया गया, कैसे किया गया देखो वन अपॉन कॉस बी माइनस ए, यहां पे इंटीग्रेशन में कॉस ये बी माइनस ए लिखा गया अपॉन कॉस ये आपका x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, सॉरी कॉस नहीं है ये साइन है, चलिए यहां पे सॉरी उल्टा हो गया, यहां पे साइन है और यहां पे कॉस है, ये हो गया इंटू डी एक्स, लेकिन मैंने क्या कहा ऊपर वाले बी माइनस ए को थोड़े से सावधानी से हम लोग चेंज करेंगे, ऊपर वाले बी माइनस ए को क्या करेंगे थोड़ा सा चेंज करेंगे, चेंज इसलिए ताकि आपका चीजें बन सके एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ठीक है, एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी, अब क्या हो गया अब इसको फार्मूले पे तोड़ दो, फार्मूले पे तोड़ दो, फार्मूले पे आपने जैसे ही इसको ब्रेक किया तो ये कॉस बी माइनस ए ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन देखो कॉस ए कॉस बी इंटू साइन ए साइन बी, क्या बन जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, माइनस बीच में है तो प्लस आ जाएगा, यहां पे माइनस है तो प्लस आ जाएगा साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी। ठीक है ना बच्चों,
यहाँ पे क्या हो गया, अभी सवाल भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। यहाँ पे क्या हो गया, आगे साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, ठीक है ना, इंटू डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स। जैसे अब ये हो गया वन अपॉन कॉस बी माइनस ए, यहाँ पे देखो कॉस से कॉस बी वाला कटा, कॉस और साइन वाला बन गया कॉट एक्स माइनस ए, प्लस देखो साइन से साइन वाला कट गया साइन एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस बी बन गया टेन एक्स माइनस बी, और इंटू डी एक्स। क्या हो गया फार्मूला भाई, वन अपॉन कॉस बी माइनस ए और कॉट का होता है लॉग साइन एक्स माइनस ए प्लस टेन का होता है लॉग सेक एक्स, क्या होता है लॉग सेक एक्स, तो हो जाएगा लॉग sec x माइनस बी। फर्दर आप इनको एक साथ मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, आपका आंसर बन जाएगा। ये तो हमने ओरिजिनल सवाल को किया, अगर ओरिजिनल मतलब इसको किया, अगर सवाल आएगा तो कैसे आएगा, देखो कैसे आएगा आपके सामने सवाल, जैसे कुछ लिखा है आपके सामने के ऊपर में मानो लिख दिया इंटीग्रेशन में dx अपॉन साइन x प्लस थ्री इंटू कॉस एक्स प्लस थ्री इंटू कॉस फाइव माइनस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स माइनस थ्री इंटू कॉस फाइव माइनस एक्स, तो बात समझ में आ रही है। देखो फाइव माइनस एक्स लिखा है, आप कॉस के साथ माइनस कॉमन करके एक्स माइनस फाइव भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आंसर में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। या तो ये रहेगा, या आपका सवाल ये भी दे सकता है कि डी एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स माइनस फाइव है इंटू डी एक्स, तो क्या करेंगे, ये सेम आया, सेम साइन के साथ आता है, तो सेम में साइन आएगा, और साइन में इन दोनों का डिफरेंस, यानी इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, तो एक्स में से एक्स कट जाएगा, पांच में से यहां देखो डिफरेंस देख लो, ये आपका टू बचेगा, सही है, तो टू से यानी साइन टू से ऊपर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर आप इसको लेके चल रहे हैं या इसको लेके चल रहे हैं, किसको लेके चल रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, अगर इसको लेके चलेंगे तो डिफरेंस के बजाय हम सम कर देंगे, ठीक है, इसको लेके चलेंगे तो डिफरेंस के बजाय सम कर देंगे, यहाँ पे देखो इसको लेके चल रहे हैं तो हम सम कर दे रहे हैं, और सम कितना हो गया टू, तो ये आपका सम हो गया साइन टू, तो क्या हो जाएगा ऊपर में वन अपॉन साइन टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे लिखा साइन टू को एक्स माइनस थ्री प्लस फाइव माइनस एक्स ऐसा लिख दिया, अपॉन आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस एक्स माइनस थ्री इंटू कॉस फाइव माइनस एक्स, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इसको हमको बताना चाहिए, ये साइन ए प्लस साइन बी के फार्मूले पे ओपन करो, फिर डिवाइड करो, आंसर लगाओ, आपका दो से तीन मिनट का ये सवाल है, आंसर बन जाएगा, बात समझ में आ रही है। जरा सा हम अगले सवाल की तरफ बात करने वाले हैं, प्रोसीड करने वाले हैं, तो आगे हम सवाल और इस पे सवाल करते हैं, ये तो मान लो बिल्कुल सेट पैटर्न पे है, थोड़ा सा एक और ऐसे सेट पैटर्न पे इसी पे सवाल कर लेते हैं, जैसे मान लो कि सामने आपके सवाल लिख दिया गया कि कोसेक ऑफ थीटा प्लस एम पाई बाई फोर इंटो sec थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर, ठीक है, इंटो डी थीटा, क्या आंसर आएगा, ठीक है, इस बार थीटा के टर्म में इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना, तो पहले तो ये cosec और sec को एक काम करते हैं, कायदे से पहले साइन कॉस में लिख लेते हैं, साइन कॉस में मतलब वन अपॉन ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस एम पाई बाई फोर, ठीक है, यहां पे बचेगा क्या, यहां पे हो जाएगा कॉस sec का हो जाएगा cos, और यहां पे हो जाएगा थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर,
ठीक है ना। तो जरा सा देखो ये नीचे में होगा, डिफरेंट डिफरेंट है, अगर डिफरेंट है तो अपने से किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस के सम या डिफरेंस है। जरा डिफरेंस निकाला जाए, डिफरेंस निकाला जाए दोनों एंगल का, डिफरेंस किया जाएगा तो थीटा प्लस एम पाई बाई फोर माइनस थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर, घटाया जाए तो थी सर्चे थीटा कट गया, एम पाई बाई फोर प्लस एम पाई बाई फोर से पूरा कट गया, बचा क्या प्लस पाई बाई फोर बचा, मतलब आपको ऊपर नीचे कॉस पाई बाई फोर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है किससे, कॉस पाई बाई फोर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो यहां हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में वन अपॉन कॉस पाई बाई फोर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और यहाँ पे बस इसे कॉस पाई बाई फोर को ना अच्छे से लिख लेते हैं, यहाँ पे जो ये कॉस पाई बाई फोर जाने वाला है इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं, पहले एक बार नीचे वाला लिख तो लें, साइन थीटा प्लस एम पाई बाई फोर इंटू कॉस थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर एम माइनस वन पाई बाई फोर। अब देखो इसी पाई बाई फोर को इन्हीं डिफरेंस ऑफ एंगल के टर्म में लिखेंगे, कैसे, तो ये लिख देंगे इसको हटा के थीटा प्लस एम पाई बाई फोर, फिर माइनस थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर, ठीक है ना बच्चों। इतना के बाद से अपने पास क्या हो गया, ये तो वन अपॉन वन बाय रूट टू हो गया कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू, यहाँ पे ये ब्रेक हुआ, ब्रेक हो गया क्या बना, कॉस ए कॉस बी कॉस थीटा प्लस एम पाई बाई फोर इंटू कॉस थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर माइनस माइनस है तो प्लस साइन थीटा प्लस एम पाई बाई फोर इंटू साइन थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर, नीचे में टोटल क्या हुआ, साइन थीटा प्लस एम पाई बाई फोर, ठीक है, फिर साइन कॉस थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर, एक लाइन और मैं करूंगा बाकी आप कर लेंगे, नीचे से ऊपर चला गया, अलग अलग मैंने किया, कॉस वाले को क्या, कॉस वाले को कॉस वाला काटा, कॉस बाई साइन कॉट हो गया, यहाँ पे कॉट थीटा प्लस एम पाई बाई फोर हो गया, ठीक है, ऊपर में क्या हुआ, उधर में प्लस साइन से साइन वाले को काटा, वो साइन और ये साइन मिलके हो गया टेन थीटा प्लस एम माइनस वन पाई बाई फोर। अब इसको आप इंटीग्रेट करें, आंसर लिखें, ये डी थीटा इधर में लगा हुआ है इंटीग्रेशन के लिए, आ रही बात समझ में। एक और सवाल लगे हाथ, फटाफट एक और सवाल निपटा देते हैं, क्या हो जाएगा, जैसे मान लो सवाल है आपके सामने इंटीग्रेशन में साइन टू एक्स अपॉन साइन, साइन करें या कॉस, कॉस कर लेते हैं, कॉस एक्स माइनस थ्री पाई बाई टू इंटू कॉस एक्स प्लस थ्री पाई बाई फोर कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, थ्री पाई बाई फोर। जरा देखो कई बार जोड़ के भी मिल जाएगा, कई बार घटा के मिल जाएगा, मैंने क्या कहा था, मल्टीप्लाई और डिवाइड स्टिल करना है, दोनों आपका सेम सेम है तो साइन साइन ही चलेगा, ऊपर में साइन दे रखा है लकीली, इन दोनों का ऐड करो, एडिशन देखो सेम है क्या, ऊपर से एडिशन में टू एक्स ही है, मतलब इस साइन टू एक्स को हम लिखेंगे क्या, एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री पाई बाई फोर एक जगह, और प्लस एक्स प्लस थ्री पाई बाई फोर एक जगह। ये सवाल देने वाले के ऊपर है कि क्या लिख रहा है, मैंने क्या कहा कि कई बार सवाल देने वाला बहुत कठिन सवाल बनाने की कोशिश करता है, पर वो सवाल आपका हो जाता है आसान। तो अब ये आपके पास एक्स प्लस थ्री पाई बाई फोर हो गया, अब इसके बाद आप पूरा कर सकते हो, बात समझ में आ रही है। तो ये आपके कुछ बेसिक मेथड से, यानी जो साइन साइन सेम सेम और डिफरेंट डिफरेंट पे है, पर अगले दिन यानी जब भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर हम मिलेंगे तो कुछ और फार्मूले आपके सामने रखेंगे, जो अंडर रूट वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उस पर सवाल करेंगे, सवाल करने के बाद फिर हम अपने इंटीग्रेशन को कुछ दो तीन टाइप में हम बांटेंगे, फिर इंटीग्रेशन को आगे जब तक फर्दर लेवल पे लेके नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों।